हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू टिक्की। तो आलू बॉईल कर लिया है, प्याज सांभर हरी मिर्च ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, पौन चम्मच ही डाला है वैसे तो मैंने, और थोड़ा नमक स्वाद अनुसार जितना आपको लगता है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो आप, और आमचूर पाउडर मैंने डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हाथों की मदद से ऐसे मिक्स कर लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करने वाली हूँ, डायरेक्टली ही इसको जो ब्रेड क्रम्स है उसमें मैं कोट करने वाली हूँ, बिकॉज़ कॉर्नफ्लोर हेल्दी नहीं होता है तो मैं ज़्यादातर अवॉइड ही करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। अदरवाइज़ कॉर्नफ्लोर के पानी में भी डुबा के आप लोग कर सकते हो। इस तरह से मैंने हाथों से टिक्की बना ली है और इसको इस तरह से ब्रेड क्रम्स में लपेट लेने हैं। और साइड में पैन में तेल गरम कर लिया है मैंने, तो पैन में इस टिक्की को थोड़े से ही तेल में मैं कर रही हूँ, डीप फ्राई वगैरह तो नहीं कर रही हूँ। तो घी या तेल थोड़ा मैं तो मिक्स करके डाला है मैंने, थोड़ा घी और थोड़ा तेल, दोनों साइड से अच्छे से मीडियम फ्लेम पे इसको कुक कर लेना है। अब ये बन गया एक साइड से, तो मैंने इसको टर्न कर लिया है, देखिए इस तरह से, और बस थोड़ा देर और कुक होने देना है, एंड देन आलू टिक्की विल बी रेडी। सो ट्राई करके बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।